हे गाइस, क्या हाल है भाइयों। तो फिर से एक और नई वीडियो में सभी का स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम करेंगे 50 बेब्लेड की फाइट हमारे स्ट्रॉन्ग पेगासस से, जो कि है कहाँ गया, अरे स्ट्रॉन्ग पेगासस, हाँ ये रहा। तो ये है हमारा स्ट्रॉन्ग पेगासस, इसकी फाइट करेंगे हम 50 बेब्लेड से और देखेंगे कितने बेब्लेड से जीत पाता है स्ट्रॉन्ग पेगासस। लेट्स सी भाई क्या रहता है स्ट्रॉन्ग पेगासस का, और देखते हैं भाइयों क्या सीन है इसका। ठीक है, आधे बेब्लेड में मैं इस ड्राइवर से यूज़ करूँगा इसको, और आधे में मैं यूज़ करूँगा कहाँ गया गैलेक्सी पेगासस वाला, हाँ आधे में मैं ये वाला रबड़ यूज़ करूँगा। देखेंगे दोनों में कैसी परफॉर्मेंस मिलती है इसको, और वो भी देखना ही होगा। आधा आधा कर लेंगे भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है। 50 बेब्लेड से ये, और देखेंगे इनका क्या सीन रहता है, क्या ये जीत पाएंगे, क्या ये तोते उड़ा पाएंगे। और आज हम स्टेडियम यूज़ करेंगे ये वाला, क्योंकि मैंने कर दिया है इसको फिक्स। अगर साइड में देख पाओ तो मैंने यहाँ पे बाउंड्रीज लगा दी है। इस स्टेडियम में सिर्फ एक ही कमी थी कि बेब्लेड्स बाहर चले जाते थे, मैंने उसी कमी को ख़त्म कर दिया है दोस्तों। और देख सकते हो यहाँ पे मैंने 3D प्रिंटेड बाउंड्री लगा दी है। मेरे से अच्छे से डिज़ाइन नहीं हुई, बट मैंने जितना कर पाया उतना किया, मैंने पूरा राउंड नहीं कर पाया लेकिन थोड़ा बहुत कर दिया मैंने। ये मैंने ही डिज़ाइन किया था ना, इसलिए हम कोई आर्टिस्ट तो है नहीं भाई 3D प्रिंटेड वाले, तो जैसा आया वैसा मैंने कर दिया। ठीक है, तो करते हैं भाइयों अभी फाइट इसकी और देखते हैं क्या कुछ सीन रहता है। लेट्स सी, यूज़ कर रहा हूँ मैं ये वाला लॉन्चर, ये वाला करूँ या फिर वो वाला करूँ, वो वाला कर लेते हैं यार, ग्रिप है उसमें, मेरे इसमें ग्रिप नहीं है, इसमें ग्रिप है। चलो 3-2-1 हो जाएगी, अरे बढ़िया, सही चीज़ है, सही चीज़ है भाई, सही चीज़ है। ओके, सबसे पहले एल्ड्रेको डिस्ट्रक्टर से कर लेते हैं, गोल्ड एडिशन से। लेट्स सी ये क्या कर पाता है। ओके, इन 3-2-1 हो जाए शुरू, कम ऑन, फ्लावर एंगल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई बढ़िया, फेंक के मार भाई, कम ऑन स्ट्रॉन्ग पेगासस प्रो। एल्ड्रेको जीत सकता है इससे, पूरा पूरा जीत सकता है मुझे लग रहा है। रबर टेप इसके लिए बहुत ही नुकसानदायक है गाइस, इसमें से रिंग आउट हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा ईजिली नहीं होंगे, हो सकते हैं लेकिन इतना भी वो नहीं है भाई कि बिल्कुल ही हो जाएंगे। ओके, जीत गया है पहला बेब्लेड। नेक्स्ट बेब्लेड की बारी है जो कि है ये, इससे करते हैं रे स्ट्राइकर। रे स्ट्राइकर नहीं है भाई, वो रे स्ट्राइकर का कस्टम कॉम्बो है ये। ओके, इन 3-2-1 हो जाए शुरू, ओ नाइस, क्या मारा है भाई, अरे देखा मैंने बोला था ना, अरे भाई ये कहाँ गया, ओह शिट, वेयर आर यू ब्रो, वेयर आर यू ब्रो, अरे भाई कहाँ गया, अरे चीचा, बहुत ही बुरी तरह से फेंक के मारा भाई इसने। ओके, तो पहला बेब्लेड जीता है वो है ये रे स्ट्राइकर स्ट्रॉन्ग पेगासस का कॉम्बो। ओके, अर्थीगल से कर लेते हैं अभी, तो रिंग आउट होते हैं इसमें लेकिन वैसे नहीं होते जो राह चलते हो जाते थे, थोड़ा सा अभी उससे होते हैं, क्या कहते हैं उससे, पुश लगाने से। कमॉन स्ट्रॉन्ग पेगासस नहीं कर पाएगा कुछ भी, अब तो दिख रहा है भाई साफ साफ अर्थीगल को बहुत जल्दी हराना पड़ता है। ओके, स्ट्रॉन्ग पेगासस के पास की बात नहीं है इससे हराना। ओके, बारी है लाइटनिंग एल्ड्रेको वर्सेस स्ट्रॉन्ग पेगासस। कई लोग कहते हैं इसका ओरिजिनल कॉम्बो लगाओ, मेरे पास ओरिजिनल कॉम्बो है इसका, लेकिन जो ओरिजिनल कॉम्बो है उसमें इसका टिप पूरा घिसा हुआ है, इसलिए नहीं लगा पाता मैं, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए मैं। ओके भाई हार गया भाई इससे भी, लाइटनिंग एल्ड्रेको से भी सबसे ही आ रहा है यार, ये तो बड़ा ही बेकार नहीं बेब्लेड, कम ऑन अपनी उम्मीदों पे खरा उतर भाई। ये चाहिए, लेकिन वो एक थर्ड जनरेशन का बेब्लेड है, उसको हराना बहुत मुश्किल है। क्वाड जेल कोटल जो भी है भाई, और मैं सबसे लेट लॉन्च कर रहा हूँ इसको, क्यों भाई ऐसे मत कर यार। सोल ब्लेज, लेट्स सी, कम ऑन, ये मैंने नॉर्मल लॉन्च किया था, फ्लावर एंगल नहीं यूज़ किया इसमें, और मुश्किल लग रहा है मेरे को पेगासस के लिए। ओ भाई बढ़िया, कुछ अटैक अच्छे भी कर रहा है, क्या पता सोल ब्लेज हार जाए क्योंकि बैलेंस पूरा पूरा ख़राब कर चुका है, लेकिन स्टैमिना ख़त्म हो गया, शिट, बहुत ही कम स्टैमिना है भाई स्ट्रॉन्ग पेगासस के पास, ये तो बहुत ही गलत हो रहा है स्ट्रॉन्ग पेगासस के साथ यार। ओके, कैप्रिकॉन,
प्री हाइब्रिड। कम ऑन, इससे भी हारेगा भाई, लग रहा है मेरे को। ओह शिट, मेरे को शायद चेंज करना पड़ेगा ड्राइवर, प्लास्टिक जेन का ये वाला। मैं सोच रहा था रबड़ में ही यूज़ करें इसको, लेकिन रबड़ में इसके बस की बात ही नहीं है भाई। कम ऑन, अरे यार ये तो निकल भी नहीं रहा। माफ़ी चाहेंगे गाइस, बस स्ट्रोम पेगासस की इतनी बुरी बेइज्जती नहीं झेल सकते, इसलिए हमने इसमें प्लास्टिक वाला अटैक ड्राइवर लगा दिया है फ्लैट टिप। अब देखते हैं क्या सीन रहता है। इन 3, 2, 1 हो जाए शुरू। ओहो, ये मैंने गलत लॉन्च किया, फिर से करेंगे। कमॉन कमॉन, एक बारी और। इन 3, 2, 1 हो जाए शुरू। ओहो पीछे पड़ गया, तो अब मारेगा भाई बढ़िया। कमॉन स्ट्रोम पेगासस, झंडे गाड़ दे, तोते उड़ा दे। अरे भाई इस बार गया, इस बार कैप्रिकॉर्न गया भाई, कोई चांस नहीं है इस बार जीतने का, क्योंकि अब है उसके पास प्लास्टिक फ्लैट टिप जो कि काम वैसे ही करती है, रबड़ से थोड़ा सा स्लो है, लेकिन जीत सकता है भाई, अब जीत सकता है, नहीं तो इसके झंडे कट गए थे। ये देखो इसमें है अब उसकी टिप, और ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया। ओह भाई स्ट्रोम पेगासस का दिन ही खराब है। ओके तो इससे बाहर हो सकते हैं, ये नहीं है कि ये पूरा वो है, लेकिन हाँ अब पहले की जैसे ख़राब नहीं रहा ये, इतना मैं कह सकता हूँ। अब इस स्टेडियम में मज़ा आएगा मेटल फाइट्स की करने में। कमॉन पॉइजन सरपेंट को देखते हैं क्या कुछ कर पाता है इसके सामने, क्या पॉइजन सरपेंट जीत पाएगा, क्या पॉइजन सरपेंट हार जाएगा, ये भी देखना होगा, और देखना ही होगा, और तो कुछ कर नहीं सकते हम। गया भाई पॉइजन सरपेंट गया। अब इसके पास प्लास्टिक टिप है ना, तो ये बिल्कुल ही आराम से जीत जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, बस इसको कोई बाहर ना करे जैसे कि रेस स्ट्राइकर ने किया था, गैलेक्सी वाले रेस स्ट्राइकर ने। ओके बारी है मीटियो एल्ड्रेगो से करने की। मीटियो एल्ड्रेगो ब्रो आ जाओ। इन 3, 2, 1 ओ शिट, मीटियो एल्ड्रेगो को हैंड स्पिन करना चाहिए था। मज़ा तो उसमें आता। मीटियो एल्ड्रेगो, ये भी गया नहीं, ये मुश्का मुश्किल है भाई, क्योंकि ये स्पिन स्लिंग करके अपना बचा लेता है खुद को। ओके लास्ट तक जाएगी इनकी बैटल, और देखना ये होगा कौन टिकेगा लास्ट तक। ओके जीत गया है स्ट्रोम पेगासस मीटियो एल्ड्रेगो से, नाइस। अरे इससे भी जीता था मैं, हारने वालों जीतने वालों में क्यों रख रहा हूँ इसको, माफ़ी चाहेंगे गाइस। जीतने वाले को थोड़ा सा दूर रख देता हूँ, हारने वाले को थोड़ा पास रख देता हूँ, क्योंकि अभी हारने वाले ज़्यादा होंगे। ओके डियाब्लो नेमेसिस, इन 3, 2, 1 हो जाए शुरू। लेट्स सी क्या इसको बाहर कर पाएगा, बाहर नहीं कर पाया तो बहुत मुश्किल है इसका जीतना डियाब्लो नेमेसिस से। शिट नहीं कर पाएगा भाई, इतनी जान नहीं है स्ट्रोम पेगासस के पास, हिला भी नहीं पा रहा यार उसको। शिट तो भाई बहुत बेबलेट से हारेगा, कोई बात नहीं, ये 50 बेबलेट वाली सीरीज इसलिए बनाई क्योंकि इसको हम मंथ में एक दो बार कर सकते हैं आराम से, इसलिए ट्विस्टेड टेम्पो हैवी वर्जन वर्सेस स्ट्रोम पेगासस। अरे कमोन एक टक्कर बढ़िया दे देता भाई स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग में ही जो अच्छी टक्कर देगा तो ही बाहर कर पाएगा, बाद में बहुत ही मुश्किल है स्ट्रोम पेगासस के लिए। और अभी तो भाई ट्विस्टेड अपना बीच में चिल मार रहा है, और ये भाई बाहर चिल मार रहा है। ऐसे तो कुछ होने वाला। ओ भाई ट्विस्टेड टेम्पो का स्टेमिना ख़त्म हो गया, ये कैसे हो गया, अरे ट्विस्टेड टेम्पो हिल गया भाई, ये कैसे हुआ। फिर भी जीत सकता है ट्विस्टेड टेम्पो। ओ स्ट्रोम पेगासस जीत गया ट्विस्टेड टेम्पो से, ये कुछ नया देखने को मिला है। लीब्रा से कर लेते हैं गाइस, लीब्रा से, और वीडियो क्वालिटी बताओ अभी थोड़ा सा अच्छा लगा होगा ये, क्योंकि कलर्स इन्हेंस हो गए होंगे शायद। ओके इन 3, 2, 1 हो जाए शुरू, क्योंकि मैं इसको HDR में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कलर इन्हेंस हो चुके हों शायद। कमॉन लीब्रा को हराना है, मुश्किल है भाई ऐसे तो, बहुत ही मुश्किल है। लीब्रा का स्टेमिना ट्विस्टेड टेम्पो जैसा नहीं है कि वो कभी भी डगमगा जाए। हाँ उसको टक्कर मारनी ही पड़ेगी अगर उसका स्टेमिना ख़त्म करना है तो। एंड इन्फिनिटी लीब्रा मुझे नहीं लगता कहीं से भी हारेगा। ओके इन्फिनिटी लीब्रा जीतता है भाइयों, नाइस ट्राई भाइयों। स्ट्रोम पेगासस के लिए तालियां होनी चाहिए, काफ़ी अच्छा ट्राई किया उसने।
अब बारी है समुराई पेगासस, सॉरी विंग पेगासस, विंग वर्सेस स्टॉर्म। कोई मुकाबला नहीं है गाइस, कोई भी मुकाबला नहीं है, एक ही टक्कर में फेंक दिया भाई। विंग नेक्स्ट लेवल, विंग शायद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, शायद समुराई से भी है। ओके समुराई ही आ जाओ भाई। नाम लिया, मेहमान हाजिर, समुराई पेगासस। ओ ये कम ऑन, चलो भाई फाइट तो हुई, शायद स्ट्रॉन्ग पेगासस इसको निकाल लेगा, स्टेमिना बैटल हो रही है ना, शायद निकाल लेगा। अरे भाई टक टक करके जा रहा है इसको अच्छे से टक्कर भी नहीं मारी है अभी तक यार, देखना छेड़ छेड़ के जा रहा है समुराई पेगासस को। अरे भाई बढ़िया, ओके समुराई जीतेगा हारेगा नो आइडिया, शायद हार सकता है शायद नहीं हारेगा। ओके जीत गया समुराई भी, बढ़िया। जीतने वाले की क्वांटिटी ज़्यादा है, हारने वाले की क्वांटिटी कम है। एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर इससे तो जीतेगा भाई, एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर से मैं गारंटीड कह सकता हूँ जीतेगा। ओ ये ओहो कम ऑन स्ट्रॉम, एल ड्रैगो है वो भी डिस्ट्रक्टर वाला, जबकि सबसे बेकार एल ड्रैगो है, माफ़ करना हेट मत करना, लेकिन है भाई वो। अभी रबर टच हो रहा है, नाइस स्पिन सीलिंग कर रहा है एल ड्रैगो भाई, रबर टच हो रहा है उसका, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने बोला था एल ड्रैगो इससे तो हारेगा ही, दोनों एल ड्रैगो हारे हैं सिर्फ एक को छोड़ के, लाइटनिंग को छोड़ के। लाइटनिंग मैं कहता हूँ भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल फाइट भी उसको कहोगे ना तो वो भी गलत नहीं है। आ जा भाई आ जा, जा। पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने चला जाता है ये, डेंट पड़ गया गाइस इसके ऊपर, देखना गिर के थोड़ा सा। ओके फिर से करेंगे, हाँ मैं कह रहा था लाइटनिंग एल ड्रैगो शायद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, शायद वो किसी को भी हरा सकता है भाई, नेक्स्ट लेवल ब्लेड है वो, उसके अंदर जो क्वालिटी है वो किसी के अंदर नहीं है, बहुत तेज हिट करता है वो, और इससे जीतने का कोई चांस नहीं है पेगासस का, कोई भी चांस नहीं है भाई, वो इतना स्टेबल ब्लेड है घंटा फर्क नहीं पड़ रहा उसको कुछ भी, एंड में कुछ हो जाए तो हो जाए, नहीं तो नहीं होगा, नहीं होगा भाई। ओहो लड़खड़ा गया लड़खड़ा गया, लेकिन ज़्यादा देर नहीं लड़खड़ाया, के जीत गया भाई। सेजिटेरियो इससे जीत जाएगा पेगासस शायद, सेजिटेरियो का ओरिजिनल कॉम्बो नहीं है ये, ओरिजिनल फाइसिस में है और फाइसिस का इसमें है, क्योंकि मैं चाहता था सेजिटेरियो स्ट्रॉन्ग बने और शायद बन भी गया वो कुछ भी हो सकता है। ओ बन गया भाई बीच में रह रहा है यार, स्टेमिना टाइप का यही तो काम होता है, बीच में रहो अपने टाइम पास करो, डिफेंस टाइप का भी यही काम होता है लगभग, स्टेमिना टाइप थोड़े ज़्यादा देर तक टिक पाते हैं। ओ भाई ये क्या कट मारा है उसने, नाइस स्ट्रॉन्ग पेगासस ने काफ़ी अच्छा अटैक किया, लेकिन नो फायदा। ये देखो 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 देखो, अरे यार ये अटैक अगर 2-3 सेकंड पहले कर देता तो शायद जीत सकता था, नाइस। बारी है ट्विस्टेड टेम्पो नहीं है, ये कुछ अजीब सा ही बेबलेड है एल ड्रैगो के साथ कस्टम कॉम्बो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ओ शिट नहीं हो पाया गाइस, अब हम स्टेडियम चेंज करें, अब करते हैं सबसे डेंजरस स्टेडियम में, और ये 25 बेबलेड से हो चुका है शायद, इससे जीत जाएगा ट्विस्टेड टेम्पो से जीत जाएगा स्ट्रॉन्ग पेगासस, आई मीन ट्विस्टेड व्हील से, ट्विस्टेड या टेम्पो व्हील से क्या बोले, जो भी बोले बोल दो गाइस। अरे नहीं जीता, हार गया भाई, नाइस। ओके स्टेडियम चेंज, और अब आ गया है सबसे मस्त स्टेडियम गिमिक्स के साथ, यही है भाई मस्त तो गिमिक्स के साथ। ओके एल ड्रैगो फेंग लियोन, सॉरी एल ड्रैगो की बोलता हूँ मैं, कम ऑन पेगासस। अरे शिट ओ शिट नहीं हो पा रहा है उससे, नहीं हो पा रहा भाई ओके अब ये देखना होगा कि लास्ट में क्या कुछ बड़ा अटैक कर सकता है जिससे कि ये लियोन को जीत पाए लियोन से, क्योंकि अभी तो कुछ हो नहीं पा रहा इससे। ओके देखा फंस के ना अपनी स्पीड कम कर लेता है ये, बढ़िया नाइस।
अपने आप को सेंटर में तो रख लिया, लेकिन हराना नहीं, मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। ओके, फेंग लियोन जीतता है नॉर्मल मोड में। अब बारी है इसकी, पता नहीं बताना है कौन सा बेब्लेड है। ओ, ये बढ़िया था यार, ये अटैक बढ़िया था, नाइस, हिला दिया भाई। शुरू में ही ऐसा टक्कर मार दो कि सामने वाला के सारे हौसले ख़त्म हो जाएं। वही किया है अभी के लिए इसने, ख़त्म कर दिया भाई, सिस्टम हैंग हो गया इसका तो। चलो नेक्स्ट करते हैं एब्जॉर्ब मेटियो एल्ड्रैगो से, नाइस, देखते हैं एब्जॉर्ब वाला कुछ नया अलग कुछ कर पाएगा नॉर्मल से। अरे अरे कहाँ फंस गया भाई। ओके, रबड़ मोड, रबड़ है भाई इनके अंदर तो, रबड़ कुछ ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है, पर देखना होगा वो तो क्या सीन रहता है बाद में। और कलर्स शायद मेरे को अच्छे लग रहे हैं यार वीडियो में, अभी पता नहीं 4K है इसलिए भी हो सकता है गाइस। एंड इस बार शायद स्टॉर्म पेगासस हार जाए, ड्रॉ हुआ है गाइस, ड्रॉ हुआ है या फिर स्टॉर्म पेगासस जीता है शायद। बारी है इसकी, ये भी कस्टम बेब्लेड है। कम ऑन फ्लावर एंगल, ओ भाई क्या तेज, कितनी दूर से आगे मारा यार इसको भाई साहब, यही तो देखना था स्ट्रॉन्ग पेगासस की पावर, मतलब क्या ही मारा है यार, पूरा एंगल बना के यहाँ पे खड़ा है ये, पूरा एंगल बना के ऐसे एकदम से धाम, नाइस, ताली आनी चाहिए इस बार के लिए। ये तो खतरनाक बना दिया इसने, कुछ भी करो, ये वाला नेक्स्ट मोड अटैक था, नेक्स्ट लेवल अटैक था। एक बार और करना चाहूँगा मैं ऐसा, अगर नहीं हो पाया मेरे से, मुझे भी नहीं आता। कभी कभी हो जाता है गाइस, लेकिन फिर भी जीत जाएगा इस बार भी, गया प्री हाइब्रिड एल्ड्रैगो भी गया। भाई इसके पास स्पिन सीलिंग पावर नहीं है तो नहीं जीत पाएगा, ये दोनों अपने आप को इक्वलाइज करेंगे बस। अरे जो डाउन था वो पहले हारेगा, और हार गया एल्ड्रैगो भाई, कमाल की बात है कि सारे एल्ड्रैगो से हारा है, जीता ही है सिर्फ लाइटनिंग को छोड़ के, नाइस, ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था बट है तो है, क्या कर सकते हैं। ओके कम ऑन कम, ओ भाई ऊपर चला गया था। यार इसके ऊपर चला गया। बढ़िया स्टॉर्म पेगासस, 50-50 रहेगा शायद, या फिर 60 भी हो सकता है जीतने का रेशो इसका, कुछ भी हो सकता है। इसका खेल कुछ ऐसा है गाइस कि इसको जितना अच्छे से लॉन्च कर सकते हो वैसे करो, उसके हिसाब से ही अपनी पावर दिखाएगा, समझ रहे हो, वो मैं कहना चाहता हूँ बस, जीत गया इससे तो। ओके गैलेक्सी पेगासस से करते हैं, इन 3-2-1 हो जाए, इन 3-2-1 हो जाए, गैलेक्सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा स्ट्रॉम्स में शायद। कम ऑन ओके, अब इनकी टिप वापस चेंज करेंगे, गैलेक्सी की टिप लूँगा मैं अभी, गैलेक्सी की नहीं है वैसे वो, गैलेक्सी की दूसरी है बट कोई बात नहीं, रबर टिप लेंगे, मैं कहने का मतलब ये है। ओके गैलेक्सी पेगासस हारता है गाइस, नाइस, वही कह रहा हूँ मैं, कुछ 60 वाला रेशो रहेगा, 60 या फिर 40 वाला, कुछ भी कह लो यार, लेकिन गैलेक्सी पेगासस हार गया है। ओके आ गई है रबर टिप वापस, अब देखते हैं क्या सीन रहता है, प्री हाइब्रिड बुल वर्सेस स्ट्रॉन्ग पेगासस, स्पीड बढ़ी है थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पेगासस की, लेकिन स्टेमिना भी उतना ही घट गया है। ओ भाई ये देखो कितना तेज हो गया है। ओके प्री हाइब्रिड बुल गया भाई, अटैक बहुत तेज कर दिए, नहीं यार मैं भूल गया, अब रबर टिप है, शेट रबर टिप ने कर दिया धोखा का। ओके इसमें करके देखते हैं कुछ बेब्लेड्स की फाइट, अब ये वाला स्टेडियम पता नहीं कैसा रहेगा इसके लिए, क्योंकि इसमें कांटे लगे हुए हैं तो कुछ भी हो सकता है गाइस। ओके ग्रेविटी गोल्डन वर्सेस स्ट्रॉन्ग पेगासस, अरे ये नाइस, ये स्टेडियम में बहुत जल्दी फाइट हो रही है। भाई ये इतना लैग क्यों हो रहा है, अच्छा ठीक है हो गया ठीक है, मैं भी सोचूं इतना लैग क्यों हो रहा है। ओके गाइस स्ट्रॉन्ग पेगासस जीतता है ग्रेविटी से, नाइस, अब बारी है बर्न फिनिक्स से करने की, 3-2-1 हो जाए शुरू,
गया 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 बर्न फिनिक्स गया गया भाई, फंस गया। अरे बच गया, कोई बात नहीं, दोबारा दोबारा, कमोन कमोन पेगासस, दोबारा फेंक दे भाई बाहर, इसमें तो फेंक भी सकते हैं बाहर यार। नहीं बस की बात नहीं है, काफ़ी हद तक ट्राई करी लेकिन नहीं जीत पाया इससे तो। ओके ये हो गया जीतने वाले में शामिल, लास्ट में देखेंगे कौन हारा कौन जीता है। इसको करते हैं नॉर्मल मोड और स्टोन पेगासस, लेट्स सी। अरे भाई ये क्या था, देखो फिर से करना पड़ेगा, ये तो क्या हो गया, नीचे ही नहीं गया यार ये। लेकिन 3-2-1 हो जाए शुरू, कम ऑन कम ऑन। ओ भाई डियाब्लो नेमेसिस को पटक दिया और फंस गया डियाब्लो नेमेसिस, बच गया भाई, वापस आ गया डियाब्लो पिटने के लिए। भाई स्ट्रोम पेगासस अगर डियाब्लो से जीत गया तो मैं मान जाऊंगा स्ट्रोम पेगासस में दम है। नहीं भाई बहुत ट्राई करी यार डियाब्लोस में, बस अपना जो अटैक पावर है बहुत ज़्यादा है यार इसका, कुछ भी कहो बहुत ज़्यादा है इसका। ठीक है जीत गया भाई डियाब्लोस, अब बारी है इसकी, 3-1 हो जाए, 3-1 हो जाए। ओ ये कम ऑन, बाहर फेंक दिया जाए, बाहर बाहर, खुद को नहीं जाना था चिचा। नाइस, स्टेडियम में थोड़ा सा दंगल हो रहा है बढ़िया वाला, ये देखने लायक ही था। ओके अब बारी है कॉस्मिक पेगासस वर्सेस स्ट्रॉन्ग पेगासस। भाई कमाल की बात है, स्टार्टिंग में ही बाहर कर देता है इन बेबलेट्स को ये फ्यूरी वालों को, लेकिन बाद में आ ही जाते हैं वो मास्टर वालों को। कम ऑन देखना होगा भाई क्या कॉस्मिक जीतेगा या फिर स्ट्रॉन्ग जीतेगा। शायद नाइस स्ट्रॉन्ग जीत गया, नॉट एक्सपेक्टेड गाइस। अब बारी है कॉस्मिक ओरिजिनल वर्जन, ओ ये सीधा अटैक मारा भाई ऊपर से। ये स्टेडियम अच्छा है, इसमें बीच में जो रहेगा वो पिटेगा अच्छे से, अटैक टाइप वाले से बहुत बुरी तरह से पिटेगा वो बीच में जो रहेगा। गया भाई कॉस्मिक भी गया, अरे यार नाइस। हेल कर बेस, सॉरी हिडिज कर बेस, हिडिज कुछ भी कहो यार। ओ अरे अरे बहुत मारा यार पेगासस ने, टिक गया लेकिन एंड तक टिक गया, नाइस तालियां होनी चाहिए गाइस, ऐसे कर देते हैं। ओ भाई निकल गया ये, ओ शेट, अरे हार कैसे गया यार, मेरे को लगा जीत जाएगा आराम से। ठीक है भाइयों कुछ बेबलेट्स और रहते हैं, 50 बेबलेट्स में थोड़ा सा दिक्कत तो होगी, 100 जितनी नहीं होगी लेकिन थोड़ी तो होगी। नीचे आ नीचे आ नीचे आ, बढ़िया। क्या इससे जीत पाएगा, डार्क बुल है, डार्क बुल है शायद ये, या फिर डार्क वुल्फ है, बुल या वुल्फ है ये शायद। एक बार और करने की कोशिश करूँगा मैं, हाँ ये वुल्फ है। इन 3-2-1 हो जाए शुरू, अरे यार ऊपर क्यों चला जाता है भाई, अग्रेसिव होना है, तोते उड़ाने हैं लेकिन ऊपर चले जाता है भाई, क्या बोलें इसको। नहीं इसको नहीं हरा पाएगा, मुश्किल है भाई बहुत मुश्किल है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा उसके अटैक से, क्या ही हराएगा उसको। चलो गया भाई, ये भी जीतता है, क्यों बेफालतू में टाइम वेस्ट करेंगे, जब पता ही है जीतना है तो जीतना ही है। ओके 3-2-1 हो जाए, वाह चिचा दोबारा करेंगे, क्या दिक्कत है। ओ नाइस, अगर ऐसी हो गया भाई, गुस्सा आ गया है पेगासस को। और मैंने इस बैटल में बहुत सारे स्टेडियम चेंज कर दिए ना, एक और कर देते हैं। चलो टेम्परेचर इज टू हाई गाइस, फोन दूसरी बार ओवर हीट हो गया भाई, मतलब इतना गर्मियों में 4K वीडियो तो रिकॉर्ड ही मत करो यार, तोते उड़ जाते हैं फोन के पूरे के पूरे। ओके कहाँ गया भाई, अरे बेबलेट कहाँ चले गए, मैं कहाँ रखा है बेबलेट्स को, चाहिए रे
इनकी फ़ाइट कर रहा था मैं, लेकिन बीच में हो गया ओवरहीट का इशू, तो दोबारा करनी पड़ेगी। लेट्स सी स्टॉर्म पेगासस। हाँ, मैंने स्टेडियम चेंज कर दिया है और स्टॉर्म पेगासस को देखना है इस स्टेडियम में क्या कुछ कर पाता है। ये मैं सब स्टेडियम में देख रहा हूँ ताकि लोग ना बोले कि भाई स्टेडियम में उसमें अच्छा नहीं किया, इसमें अच्छा नहीं किया। मैं सब में देख रहा हूँ इसलिए। और अटैक टाइप है तो थोड़ा सा बाहर बाहर ही घूमेगा वो, बाद में आके तोते उड़ा देगा। अगर ऐसे घूमेगा ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टेमिना टाइप से ज़्यादा पावर होती है उसके अंदर, अगर ऐसे चल चल वो घूमता रहा तो। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे को लगता है ऐसा। ओके गाइस, इससे भी जीतता है। अब बारी है रेस स्ट्राइकर से करने की। इन 3-2-1 हो जाए शुरू। कम ऑन, नाइस। ओह शिट, बच गया भाई, रेस स्ट्राइकर बच गया। चलो, काफ़ी अच्छी अच्छी टक्करें करी। अब थोड़ा सा स्टेमिना बैटल होगी और मैं चाहता हूँ कि इस बार फ़ोन दोबारा ओवरहीट ना हो। मैंने फ़्लाइट मोड पे भी कर रखा है यार, फिर भी ओवरहीट हो रहा है। मतलब 4K में इतना ज़्यादा बर्डन पड़ता है भाई। तीसरा रिकॉर्ड है ये। ओके, रेस अगर शायद ना जीत पाए। गया यार, जल्दी से बेब्लेड एक्स की बेब्लेड आ जाएं। ओ बाजी दिया, रेस अगर जीत गया। ठीक है, अब आई है फाइसिस की स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेड विद वीकेस्ट पार्ट। अरे भाई, सेजिटेरियो भी कहेगा क्या बोल रहे यार। ओ शिट, चलो कोई बात नहीं। फाइसिस अगर ऐसे चलता रहा तो कोई चांस ही नहीं है पेगासस के जीतने का। फाइसिस से कमॉन, उसको डाउन कर भाई, उसके फ्लेम्स को नीचे टच होने दे, तभी जीत पाएगा। कमॉन। शिट, ओके, फाइसिस भी जीतता है गाइस। ठीक है, बारी है सेजिटेरियो की डुप्लीकेट कॉपी की। इन 3-2-1 हो जाए इशू। नाइस, अरे नाइस। ओ शिट, नहीं है भाई फायदा इस स्टेडियम में, नहीं है फायदा। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या NMS स्टेडियम लाऊं, उसमें फायदा हो सकता है भाई, पैसे है ना, शायद हो सकता है भाई। छोड़ो, NMS स्टेडियम नहीं लाते हैं, ज़्यादा भी ओवर एक्साइटमेंट में नहीं रहना। ओके, ये भी जीतता है भाइयों। वापस आ जाते हैं हमारे नॉर्मल स्टेडियम पे, जो कि है ये, यही बेस्ट लगता है मेरे को, पता नहीं क्यों। ओके, ये अजीब सा बेब्लेड। नाइस, कम ऑन स्ट्रॉम पेगासस, तेज अटैक कर भाई, एक अच्छा सा अटैक कर दे स्टार्टिंग में ही, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है किसी को, फिर कोई नहीं जीत पाता। इसके अंदर मेटल टिप है गाइस, तो मुश्किल है पेगासस के लिए बहुत ज़्यादा इससे जीतना। हाँ चलो, कोशिश करी उसके लिए पूरी नंबर। कुछ ही बेब्लेड रहते हैं अभी। बारी है अनुबीस की। अनुबीस वर्सेस पेगासस। अनुबीस गया, मिनटों में गया। अनुबीस को पहले लॉन्च करना चाहिए, तब अनुबीस कुछ कर सकता है। लो भाई, पहले कर देते हैं। कमॉन पेगासस, अनुबीस को तोते डाले, झंडे गाड़ दे भाई। कमॉन, वैसे ही हार जाएगा वो। उसको हराने की जरूरत ही नहीं है। 5 बेब्लेड रहते हैं, 5 नहीं 6। एक है ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर जो कि बहुत ही ईजिली हार जाएगा। ये भी गया ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर, या तो हारेगा या हारेगा, खुद ही हार जाएगा। क्या बोला है मुझे भी नहीं समझ आया। कमॉन, नाइस। ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर जो है उसकी पावर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव वाली है, इसलिए वो खुद को ही नहीं झेल पाता, खुद के अटैक्स खुद पे ही ज़्यादा असर कर जाते हैं ओवरों से, इसलिए। ओ ओ शेट, ठीक है भाई, अगर कुछ मिली सेकेंड से कहो तो पैकेज जीतता है।
कुछ मिली सेकंड से शायद। अब बारी है इसकी, मिस्टर मम्मी बेबलेट, एंशिएंट बेबलेट, ये भी हार जाएगा। उसके बाद आएगा हमारा प्री हाइब्रिड सेजिटेरियो, सॉरी लीब्रा। कहाँ गया सेजिटेरियो? चिचा मैं भी क्या करता रहता हूँ। वो ऊपर चला जाता भाई, नाइस, ये बढ़िया करता है यार, ये जैसे भी करता है। इससे मुश्किल है जीतना, इसका बहुत मुश्किल है। कमॉन कमॉन पैकेसेस, झंडे गाड़ दे, बैलेंस खराब कर दे, सिस्टम हिला दे उसका। हाँ हिला दिया भाई, बढ़िया, नाइस। प्री हाइब्रिड भी गया, एक और जेमियोस टाइप, ये हारेगा भाई, इससे तो हारेगा। कमॉन कमॉन कमॉन, ना अब नहीं हो पाएगा कुछ भी। हो 50 बेबलेट्स आधा घंटा, 100 बेबलेट्स एक घंटा, ये है कुछ टैली गाइस बेबलेट से फाइट करने के लिए। और गर्मी में एक घंटे वाला बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जीत गया भाइयों ये। ओके इसका ड्राइवर कहाँ है यार, चलो किसी का ले लेते हैं। किसका लें लेकिन, इसका ही ले लेते हैं। ओके जीतने वाले का ले लिया मैंने, ठीक है। दो बेबलेट रहते हैं गाइस, एक प्री हाइब्रिड पेगासस और एक जेमियोस। लेट्स सी भाई क्या कर पाता है जेमियोस के सामने पेगासस, और स्टार्टिंग में ही हल्का पड़ते हुए। कमॉन पेगासस, ऐसे नहीं रहना भाई, कमॉन पेगासस। फ्लावर एंगल क्यों नहीं होता इसमें, हो जाता है, और जो होता है वो बहुत ही डेंजरस वाला होता है, लेकिन पूरा पूरा नहीं होता गाइस। यो तोते उड़ा दे जेमियोस की, कमॉन हरा सकता भाई जेमियोस को, तू नहीं हरा सकता गाइस, बहुत ही बेकार सीन रहा। जीत गया जेमियोस भी। अब बारी है प्री हाइब्रिड पेगासस, स्ट्रॉन्गेस्ट पेगासस, विंग को छोड़ के स्ट्रॉन्गेस्ट है, और देखते हैं भाई क्या सच में है। कमॉन स्ट्रॉम भाई, तुम्हारा छोटा भाई है, उससे जीतना चाहिए। और जीत गया, नाइस, नॉट एक्सपेक्टेड बट जीत गया, बढ़िया। ओके एक से ड्रॉ हुआ था, उससे दोबारा कर लेते हैं इससे, ताकि पता चल जाएगा अच्छे से। 3-2-1 हो जाए शुरू। कमॉन कमॉन, ओह बढ़िया, इनकी फाइट हो रही है भाई, बढ़िया वाली। देखो लेट्स सी क्या रहता है, क्या क्या जीत पाएगा, या फिर ड्रॉ हो जाएगा, या फिर हार जाएगा, देखना होगा इसी वीडियो में। ओके जीत गया, नाइस, सारे एल्ड्रैगो को हरा दिया भाई, सिर्फ एक को छोड़ के, लाइटनिंग को, सिर्फ एक लाइटनिंग को छोड़ के हर एक एल्ड्रैगो से जीता ये, नाइस, तालियां होनी चाहिए इसके लिए। और अब गिन लेते हैं भाई कितने बेबलेट से हारा है, कितने से जीता है। 5, 10, 15, 20, 24, ओके 26 से हारा है ये और 24 से जीता है। ये जीतने वाले हैं और 26 हारने, नहीं सॉरी, ये हारने वाले हैं, 26 जीतने वाले हैं। तो नॉट गुड बेबलेड फॉर बैटल, मैं तो यही कहूँगा। बाकी हाँ, अगर लॉन्चिंग अगर इम्प्रूव करो तो ये सबको हरा सकता है अपने उसमें, अपनी सीरीज़ वालों में शायद, जहाँ तक मुझे लगता है। तो स्ट्रॉन्ग पेगासस के लिए थोड़ी सी तालियाँ होनी चाहिए, इसको काफ़ी टाइम बाद में हमने यूज़ किया है, और काफ़ी ठीक ठाक बेबलेट कहेंगे इसको। बताओ यार क्वालिटी, बताओ कैसी लग रही है वीडियो की।